तो भी राम राम सभी को। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा अपना जो मैं काम वगैरह करता हूँ, कैसे करता हूँ, कहाँ कितना टाइम लगाता हूँ, कितना नहीं, और जो भी है वो सब चीज़ बताऊँगा आज आपको मोटा मोटा। हाँ ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ अपने काम की तरफ। ओवर टाइम ले रखा था मैंने रात का, मिली का, अब पंगा पड़ गया यहाँ पे। जिस रोड से जाता हूँ ना मैं वहाँ पे, तो वो रोड इस टाइम बंद पड़ा है, तो उस वजह से सारी बसें डाइवर्जन पे हैं, तो उसकी वजह से अभी 15-20 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी मुझे वहाँ तक जाने के लिए। तो अभी टाइम से पहले निकल रहा, मैं टाइम से पहले अपनी शिफ्ट ख़त्म कर दूँगा, तो लगता नहीं हो पाएगी। नाइट में जैसे 4:30 बजे मेरी शिफ्ट ओवर होनी थी, तो 4:30 बजे मुझे बस मिलती, अब आधा घंटा मैं लेट पहुँचूँगा, तो उसकी वजह से मुझे 5 बजे की जगह सीधा 5:30 बजे बस मिलेगी। तो अभी पंगा हो गया वहाँ का, और अभी सारी सभी की सभी बसेज डाइवर्जन पे हैं। अभी मैं निकलता हूँ अपने काम की तरफ, और फिर वहाँ जाकर बताता हूँ क्या है कुछ मेरा काम होता है क्या नहीं। मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरी शिफ्ट लेट चालू हो गई या फिर मैं लेट पहुँचूँगा, मेन रीज़न क्या है कि कल की भी मेरी शिफ्ट है दिन की, दिन में मेरी 10 बजे है, और वो भी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे है, यहाँ से बहुत दूर है, तो वहाँ भी जाना है और नींद भी पूरी करनी है। तो मेन प्रॉब्लम मुझे सोने का है, सोने का पंगा है। तो लास्ट वीक भी मेरा ओवर टाइम नहीं लगा था, तो इस वजह से मैंने दूर का ओवर टाइम मिला था, तो इस वीक ये वीक भी मेरा खाली ना जाए, इस वजह से मैंने दूर का ओवर टाइम उठा लिया। अब 5 घंटे का आज ओवर टाइम, 5 घंटे का कल है दिन में, फिर जाके मैं वहाँ से 3 बजे फ्री होऊंगा। बस वो यह ऊपर वाला जब भी देते देते छप्पर काट के, जैसे कि बताया आपको भी पिछले वीक में मेरा 10 घंटे का ओवर टाइम लगा था, 22 घंटे मेरे परमानेंट है, और 20 जो है मतलब मेरे इस टाइम फुल टाइम पढ़ाऊँगा 40 घंटे के लिए, तो उसमें से लास्ट टाइम मेरा सिर्फ 10 घंटे लग पाया था ओवर टाइम, बाकी के 8 घंटे मेरा मतलब वेस्ट लगा सकते हो, वेस्ट गए थे। इस वीक में भी सेम ऐसे ही सीन हुआ मेरे साथ, इस वीक में मुझे ओवर टाइम नहीं मिला था, आज मुझे ओवर टाइम मिला है 5 घंटे का, अब नाइट का 5 घंटे का, कल सुबह का, और उसके बाद 5 घंटे का मुझे सैटरडे में, सैटरडे को नहीं, सैटरडे नाइट नहीं, फ्राइडे नाइट को मिला हुआ है। फ्राइडे नाइट का कुछ इस हिसाब से रहेगा मेरा, फ्राइडे को पूरा दिन मेरी शिफ्ट रहेगी, उसके बाद मेरी नाइट में रहेगी शिफ्ट, फिर से मेरी पूरे दिन में शिफ्ट रहेगी, फिर जाके मुझे मतलब नाइट को रेस्ट करने को मिलेगा, इस टाइप से सीन रहा है मेरा। तो अभी मेरा 5 घंटे अभी फिर भी मेरा पेंडिंग है, 5 घंटे देखता हूँ मुझे मिल पाएगा या नहीं, पर जहाँ तक मेरा आइडिया है यहाँ से आज का 5 घंटे का करूँगा, कल का 5 घंटे का, तो इसका अगले दिन 5 घंटे का मिले, देखता हूँ बाकी क्या रहता है। देखो इस टाइम 11 बजे हुए हैं, तो रोड के देख सकते हो फैमिली की, यहाँ पे मोस्टली गुजराती रहते हैं। मेन सीन भाई यहाँ पे जो हुआ पड़ा हुआ कंस्ट्रक्शन जब भी पड़ी है, तो उसकी वजह से सिस्टम बंद कर रखा है मैंने। और अपने इंडिया की बात करें तो एक साइड कंस्ट्रक्शन चलाएंगे और दूसरी साइड ट्रैफिक, अपने वाला तो सीन ही नहीं होता इंडिया में, यहाँ ही पंगा पा कर रखे हो। चलो चलो फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं अपनी शिफ्ट पे, और ओवर टाइम था मेरे यहाँ का, तो यहाँ पे मेरा दूसरी बार ओवर टाइम है, एक बार और लगा था, दूसरी बार ओवर टाइम है यहाँ पे, जो जो काम है वो बताऊँगा मैं क्या होता है क्या नहीं। तो भाई मेरे नाम को हो गया एक पंगा, पंगा भी क्या हुआ ये है, अब मेरी है इस शिफ्ट के बाद मेरी है सुबह को शिफ्ट 9 बजे से 3 बजे तक की, नहीं 10 बजे से 3 बजे तक की, फिर उसके बाद लगानी है मुझे अपने एक फ्रेंड की शिफ्ट, वो है वो भी मतलब 3 बजे से 7:30 बजे तक की है, तो रेस्ट तो नहीं मिलेगा इस टाइम पे, कल कल यहाँ से मुझे जाना है घर पे, ये 4:30 बजे का पर बस आएगी, तो वो पकड़ के 4:30 बजे देखता हूँ मिल पाएगी या नहीं, बाकी चार्जेस है नहीं है, बट ट्राई करूँगा 4:30 बजे मैं बस पकड़ सकूँ। 4:30 बजे के बाद 2-3 घंटे की नींद लेके जाना है मुझे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर 5 घंटे की शिफ्ट लगा के सीधा डायरेक्ट जाना है मुझे हंसलो, हंसलो पर फिर मैंने उसी टाइम शिफ्ट लगानी है कंटिन्यू, फिर 7:30 बजे तक मैं वहाँ से फ्री हो पाऊँगा, फिर जाके सोएंगे हम कल की रात को। अभी देखता हूँ यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना के सोने की तैयारी शारी करता हूँ,
अभी पहले थोड़ा सा काम कर लूँ, काम दिखा दूँ आपको। काम मैं क्या कुछ करता हूँ, मेन काम यहाँ का होता है, ये जितने भी आपको कबर्ड दिख रहे हैं ये क्लोज करने होते हैं और देखना होता है कोई मतलब कागज़ वगैरह नहीं पड़ो, उठा के बिन में डालना, यहाँ का ये काम होता है। बाकी मशीन का भी दिखाऊंगा आपको, मशीन वगैरह चलानी होती है, मैंने मशीन का क्या करना पड़ता है क्या नहीं, और जो ये मिरर्स दिख रहे हैं ना ये क्लीन करने पड़ते हैं। दूसरा काम जो मेरा होता है वो होता है एक भी जो ये शावर्स हैं ये चल रहे हैं या नहीं ये देखना होता है, देखना बस वही टैप किया फुहारा इनका चल जाता है और तो बस मतलब ये ओके है। इनकी इमेजेस वगैरह उतार के अपलोड करनी होती है। एक छोटा काम और होता है हमारा, वो क्या होता है इसको जो ये शॉप होती है साबुन इसे रिफिल करना और लॉकर वगैरह वही सेम चीज़ें बंद करना, बंद ठीक है और वो इसी से साफ करना, इमेज उतार के और सेव कर लेनी है। बाय चांस कोई कुछ कंप्लेंट वगैरह करे तो दिखाने के लिए हमारे पास प्रूफ हो। जो तीसरा काम होता है वो हमारा होता है फ्लोर वगैरह ये क्लीन करना, मैं वैक्यूम करना होता है, वैसे जरूरत तो है नहीं क्योंकि सारा जो फ्लोर है इस टाइम क्लीन ही पड़ा है, वो सिर्फ इमेज उतारूँगा इसकी, इमेज उतार के सेंड कर दूँगा, बस तीसरा काम ये है। चौथे काम की बात करूँ तो चौथे काम का मशीन चलानी होती है, मतलब यहाँ तो चल नहीं पाएगी, मैंने इसे चला के दिखाता हूँ आपको। तो इमेजेस वगैरह मैंने इस टाइम पे ले लिए हैं सारी की सारी और अपलोड भी करते हैं, अब वो बस मेन जो काम रह गया वो रह गया मशीन का, जो मशीन चलानी होती है यहाँ पे। और अभी टाइम भी 1 बजे है, 4:30 बजे के आसपास, मतलब 4:30 तो नहीं 4:10 पे मेरी शिफ्ट ख़त्म होगी, तो और मेरी बस है 1:30 पे और 1:05 बजे है, पता नहीं 4:30 वाली मिल पाएगी नहीं क्योंकि बस सारी की सारी डाइवर्जन पे है और इस टाइम ज़्यादा कुछ काम नहीं रहा है, मतलब काम वगैरह इतना खास कुछ होता नहीं इन जिमों में, तो क्लीन ही रहती है मोस्टली, और कभी कभार फंस जाते हैं कि मैनेजर वगैरह होते हैं तो उनके सामने थोड़ा काम करके दिखाना पड़ता है उनको कि भी हाँ काम हम कर रहे हैं, बस तो नाइट को कोई मतलब मैनेजर नहीं होता, बस ऐसा है जो कोऑर्डिनेटर वगैरह होते हैं तो रात को घूमते रहते हैं तो कभी भी आके छापे मार सकते हैं, तो इस वजह से थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। वैसे काम वगैरह मतलब कोई हार्ड नहीं है यहाँ पे, कोई हार्ड है कोई पार्ट फोड़ने हैं कुछ नहीं है, क्लीन करना है, क्लीनिंग भी कुछ नहीं है, आपने देख लिया मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा से एक मशीन है, मशीन चलानी है तो अभी चलाऊँगा थोड़ा हर टाइम बाद, अभी बंदे यहाँ पर घूम रहे थे तो उसका भी पंगा रहता है। और एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, जिस टाइम हम इमेजेस वगैरह अपलोड करते हैं ना तो किसी की इमेज मतलब कोई बंदा उसमें आना नहीं चाहिए, यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी का बहुत ज़्यादा पंगा रहता है, तो ये भी ध्यान में हमें रखना पड़ता है कि भाई इमेजेस की इतने टाइम कोई इमेजेस में ना आए, तो ये काम है। और इसके अलावा तो ज़्यादा कुछ है नहीं है, ये नाइट की शिफ्ट की रूटीन है, जो मतलब जो वर्क वगैरह कर रहा हूँ ना ये नाइट शिफ्ट होता है और जो डे शिफ्ट को तो डे शिफ्ट का वर्क अलग होता है, डे शिफ्ट के वर्क का भी मैं आपको कल को दिखाऊंगा, तो जो कल नई शिफ्ट है तो उसमें दिखाऊंगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, जैसे फाउंटेन्स वगैरह होते हैं ना जो जहाँ से पानी वगैरह निकलता है तो वो क्लीन करने पड़ते हैं डे वाली शिफ्ट में, और थोड़ा बहुत ये फायर एक्सटेंशन वगैरह होते हैं तो वो क्लीन करने पड़ते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं क्लीन करना पड़ता, तो यही है। अब जो है आपको पोर्ट्स भी करने पड़ते हैं और चेंजिंग रूम वगैरह भी करना पड़ता है, अभी के लिए इतनी, बाकी मशीन चलाते हैं फिर दिखाता हूँ आपको। ये अपनी मशीन है, मशीन चलाने से पहले ये कुछ चीज़ें होती हैं जो रखनी पड़ती हैं हमें कि भाई वेट फ्लोर है यानी केस चल सकते हैं हमारे ऊपर, देख लो ऐसी मशीन वर्क करती है और चालू कर दिया, पूरे जिम में घुमाने हैं तो इसे पूरे जिम में घुमा दूँगा, फिर करता हूँ आपसे नमस्कार। तो भाई
अपने काम से मैं निकल चुका हूँ, अभी बस है, अभी खुल जाए आ रहा है। 4:03 पे बस है मेरी, वैसे शिफ्ट मेरी ख़त्म होनी है 4:12 पे, और थोड़ा सा रिस्क लूँगा 10 मिनट पहले ओवर करके, बाकी जो कल मैसेज उनका आ ही जाएगा। ये है ना यार, 10 मिनट के चक्कर में 1 घंटे की नींद ख़राब होएगी मेरी, तो 1 घंटे की नींद फर्स्ट प्रायोरिटी है। अभी बस आने वाली है, पता नहीं यार रोड भी फुल होगा या नहीं, क्या सीन है क्या नहीं, चलो देखता हूँ जाके। रोड इस टाइम है बंद, तो बस पकड़ने के लिए बहुत पीछे जाना पड़ेगा, तो चलो देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं। अभी तो शिफ्ट क्लोज करके निकलता हूँ यहाँ से, ठीक है।